मौजूद हो आप मेरे साथ हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर, और हम मौजूद हैं आपके साथ इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। हम दिखाएंगे आपको ताज नगरी की हर छोटी बड़ी खबर। पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन बड़ी तैयारियों में लगा है, परंतु ताजनगरी आगरा के ब्लॉक बरौली अहीर की ग्राम पंचायत कोलखा के गरीब वृंदावन वासियों की मानी जाए तो उन्हें पंचायत चुनाव से वंचित किया जा रहा है। उन्होंने बताया है कि पंचायत चुनाव में वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं बढ़ाया गया है। लगभग 160 परिवार हैं जिनके 761 वोट हैं, जिनको पंचायत चुनाव में इस बार चुनाव से वंचित रखा जा रहा है, जिसकी शिकायत उन्होंने संपूर्ण समाधान दिवस से लेकर तहसील जिलाधिकारी महोदय निर्वाचन अधिकारी एवं ब्लॉक लेवल पर कई बार कर चुके हैं। एसडीएम सदर से लेकर हर जगह हर दरवाजा वो खटखटाते नजर आ रहे हैं, परंतु उन लोगों का कहना है कि बीएलओ की लापरवाही के चलते वह इस बार चुनाव से वंचित होते नजर आ रहे हैं, ऐसा वृंदावन वासियों का कहना है। तो आइए जानते हैं क्या कहना है उनका और किस प्रकार की उन्होंने कहां कहां शिकायत दर्ज की है। वहीं बीएलओ से बात करने का प्रयास किया गया तो उनसे संपर्क नहीं हो पाया। वहीं ग्रामीणों ने बताया है कि बीएलओ ने उनसे कह दिया है कि आपकी रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है, परंतु कहीं ना कहीं ग्रामीणों को अंदेशा है कि इस बार उन्हें चुनाव से वंचित न कर दिया जाए। मुख्य विकास अधिकारी से लेकर जिलाधिकारी महोदय तक से लेकर ब्लॉक लेवल तक वो हर जगह अपनी शिकायत दर्ज करा चुके हैं। तो आइए जानते हैं हिंदुस्तान सीबी न्यूज के द्वारा ग्रामीणों की राय। आपका नाम? जी अमित कुमार चहार। कहाँ के निवासी हैं? सर नगला वृंदावन कोलखा ब्लॉक बरौली यही का निवासी हूँ सर। कुछ दिन पहले आपने शिकायत दर्ज की थी कि आपके यहाँ के 761 वोट सूची में नहीं जोड़े गए हैं। जी हमारे यहाँ पंचायत चुनाव में हमारे यहाँ पे 761 करीब वोट हैं हमारे जो कि नहीं जोड़े गए, जिसके लिए मैंने ज्ञापन एसडीएम साहब के यहाँ, तहसीलदार जी के यहाँ पर और आपके जिला अधिकारी के यहाँ पर, जिला निर्वाचन आयोग में, मतलब और 2-3 जगह भी हमने इसके लिए अप्लाई किया हुआ है कि हमारे क्षेत्र के अंदर जितने भी ये करीब 160 परिवार हैं जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, उससे संबंधित हमने कई जगह इसकी शिकायतें दर्ज कराई हैं, परंतु अभी कोई इस पर कार्रवाई हमें होती दिख नहीं रही है। तो सर यही चाह रहे हैं कि हमारा ये मतदान का हमारा अधिकार है वो हमें मिलना चाहिए। इतनी सालों से हम यहाँ रह रहे हैं, ये आप देख सकते हैं क्षेत्र में सर कोई हमारे यहाँ पर विकास होता नहीं है, और ना हमारा वोटर लिस्ट में नाम है तो विकास कहाँ से हुआ। आपका? मेरा नाम विपिन कुमार। कहाँ के निवासी भैया? मैं नगला वृंदावन कोलखा का निवासी हूँ और मैं यहाँ पिछले करीब 20 वर्षों से रह रहा हूँ और लोकसभा विधानसभा में मैं यहाँ पे लगातार वोट डालता आ रहा हूँ जी। और उसके बावजूद भी जब ग्राम पंचायत का चुनाव होता है, मेरे रहते हुए यहाँ 3 बार ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ है और तीनों बार ग्राम पंचायत चुनाव की लिस्ट में हम लोगों के नाम नहीं है, और इस बार हम लोग नाम बढ़वाने के लिए जगह जगह जाकर शिकायत कर रहे हैं, जिसका कोई भी निस्तारण अभी तक नहीं किया जा रहा है। चंद दिन पहले ही जो शिकायत की थी उसके आधार पर एसडीएम मैडम ने 3 बीएलओ एक सुपरवाइज़र हमारे क्षेत्र में जांच के लिए नियुक्त किया था जी, जो अभी तक हमारे क्षेत्र में नहीं पहुंचा है। उसके लिए भी हम लोग बार बार बीएलओ के पास जाने की बार बार बीएलओ से मिलने का प्रयास कर रहे हैं, मगर वो ना तो अपने स्थान पर मिलते हैं और ना ही हमारा किसी का फ़ोन उठाते हैं। अब तो 2 दिन से उनका फ़ोन ही स्विच ऑफ आ रहा है, जिससे उनसे मुलाकात होना संभव नहीं है। तो आपको लग रहा है कुछ कानूनी कार्रवाई हो रही है? ये मैं अपने यहाँ से यही संदेश देना चाहूँगा कि किसी भी तरीके से जल्दी प्रशासन हमारे क्षेत्र की सुनवाई करें। और हमारा कुमार नाम है। कहाँ के निवासी हैं सर? नगला वृंदावन मौजा कोलखा। आपको क्या परेशानी है सर? वोटर लिस्ट में 13 साल से कोई नाम नहीं है और ना ही नाम बढ़ रहे हैं। नहीं शिकायत की है, गए भी हैं, एसडीएम के पास भी गए थे, बीएलओ के पास भी गए थे और दोबारा बीएलओ के पास भी गए। उसने कहा ठीक है हम देखेंगे, मगर उसने फोन ही स्विच ऑफ कर लिया है। ठीक है ना जी। आपका? कहाँ के निवासी हैं? आपका वोटर लिस्ट में नाम आता है पंचायत चुनाव में? नहीं आता। कितने साल से रह रहे हैं आप? 10-15 साल है। आपने एक ही बार चुनाव में वोट नहीं डाला है? नहीं। राम सिंह पाल। कहाँ रहते हैं? नगला वृंदावन। कितने दिन से रह रहे हैं यहाँ पर? 6 साल से। वोटर लिस्ट में नाम आता है आपका? नहीं। पंचायत चुनाव में? नहीं आया। नहीं आता। वोटर कार्ड है आपके पास यहाँ का? नहीं। बीएलओ आपके यहाँ क्षेत्र में कभी आया है? नहीं आया। लाल। कहाँ रहते हैं? नगला वृंदावन। कितने दिन से रह रहे हैं यहाँ पर? यहाँ लगभग वही 12-13 साल। आपने वोटर लिस्ट में कभी नाम आया आपका? नहीं। चुनाव जैसे प्रधानी का चुनाव होता है उसमें आपने वोट डाला है? नहीं डाला। बीएलओ आपके समर्थित क्षेत्र में आए कभी वोट बनवाने के लिए? नहीं आए। नाम घूमराम प्रजापत।
कहाँ रहते हैं आप? कोलक्की। कोलक्की में वृंदावन में। कोलक्की में कितने दिन हो गए आपके निवास करते हुए? यहाँ हो गए 18 साल। 18 साल में आप वोट देने गए हैं कभी प्रधानी के? प्रधानी के नहीं, कभी नहीं गए। कभी BLO वगैरह आपके आया आपके पास में? नहीं, कोई नहीं आया। आपके घर में कितने सदस्य हैं? 8-10-12। क्या नाम अंकल जी आपका? गंगपाल। कितने दिन हो गए आपको यहाँ रहते हुए? यहाँ हो गए मुझे 17-18 साल। 17-18 साल में कभी BLO वगैरह आपके पास में नहीं है, झांका भी नहीं है। कभी वोट डालने नहीं गए? नहीं। कितने दिन से? जबी से आए हैं यहाँ, जबी से कोई नहीं आता हमारे पास, तो कोई झांकता ही नहीं। प्रधान वगैरह कोई नहीं, मजदूर की तो कोई सुनवाई ही नहीं। कोई आठ पड़ोस में कोई आपके पास में आए हो? नहीं, हमारी पूरे इसमें कॉलोनी में नहीं आता। क्या नाम है भैया आपका? देवेंद्र। कहाँ रहते भैया? नगला वृंदावन कोलक्खा। कितने दिन हो गए आपको निवास करते हुए? 10 साल हो गए। लिस्ट में नाम बढ़ाए गए थे तो BLO आपके घर पे न्यून कारीगर ने नहीं आया? नहीं, 10 साल में एक भी कभी भी नहीं आया। आपके आठ पड़ोस में आया हो? नहीं। क्या नाम है भैया आपका? भैया मेरा नाम अजय कुमार है। कहाँ रहते हैं? मैं कोलक्का का निवासी हूँ। कितने दिन हो गए आपको यहाँ निवास करते हुए? मैं 5-6 साल हो गए हैं। 5-6 साल से कोई आपके पास में वोटर लिस्ट में नाम बढ़वाने के लिए BLO या प्रधान ने संपर्क किया आपसे? नहीं भैया, आज तक कोई नहीं आया यहाँ तक। कितने सदस्य हैं आपके घर में? हमारे घर में भैया 5 हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम हेमांतु सिकरवार है। कहाँ रहते हैं भैया? मैं पिछले 10 साल से मौजा कोलक्खा में निवास कर रहा हूँ। जी भैया, आपके पास में वोटर लिस्ट के लिए BLO वगैरह? भैया मुझे 10 साल हो गए इस क्षेत्र में, ना ही मेरा कोई वोटर कार्ड है और 10 साल से मैं यहाँ कोलक्खा का मूल निवासी हूँ। मेरे पास प्रूफ है और यहाँ वोटिंग लिस्ट के लिए जो क्षेत्र में BLO आते हैं, 10 साल से मैंने कोई BLO नहीं देखा है। BLO की घोर लापरवाही के कारण ना क्षेत्र में किसी के वोटर कार्ड बनवा रहे हैं, BLO के पास जाते हैं, BLO कुछ नहीं कहता। BLO की घोर लापरवाही है ये। भैया आपका? राहुल परिहार। कहाँ रहते हैं भैया? कोलक्खा। ठीक है, यहाँ पंचायत के हो रहे हैं उनमें कोई हमारा नाम ही नहीं है, और कम से कम 10-12 साल हो गए यहाँ पे रहते रहते, आज तक हमारा नाम आता ही नहीं है। और मेरे परिवार में कम से कम 8 सदस्य हैं। किसी का भी नहीं है? किसी का भी नहीं है। ठीक है भैया, ओके। चाचा जी, नाम क्या है आपका? राजपाल। कहाँ रहते हो? वृंदावन के नगरा। अच्छा, पंचायत चुनाव में वोटर लिस्ट में नाम आता है आपका? नायावत। अच्छा जी, कितने साल से रह रहे हो यहाँ? यहाँ है कि यूँ ही 15 छोटे बच्चे। अच्छा ठीक है जी। नाम है सर? कहाँ रहते हैं? ये आपका नगला वृंदावन जो कोलक्खा उसमें आता है। ठीक है जी। कितने समय से रह रहे हैं भैया? हमारे को हो गए 10 साल। वोटर लिस्ट में नाम आता है पंचायत चुनाव में आपका? नहीं। वोटर कार्ड बन गया है आपका यहाँ का? पहचान पत्र लेकिन वोटर नहीं आता है। क्या नाम है भैया आपका? जितेंद्र सिंह चार। कहाँ रहते हैं भैया आप? कोलक्खे में रहता हूँ सर। ये कोलक्खे में कितने दिन हो गए आपको निवास करते हुए? यही कोई 8-9 साल हो गए। 8-9 साल में आपके पास में किसी BLO या प्रधान ने कभी संपर्क किया है आप? जी नहीं, कभी नहीं। अगर आपको कोई काम पड़ता है प्रधान से तो क्या करते हैं वो आपका काम? नहीं, मुझे नहीं लगता, कभी नहीं किया यहाँ, सब ऐसे ही पड़ा हुआ है जैसे था 8-9 साल से वैसा ही है। BLO अभी जैसे वोटर लिस्ट में नाम बढ़वाने के लिए BLO आदेश किए थे तो वहाँ भी उसके बीच में कोई BLO आया आपके घर पे? नहीं नहीं नहीं। आपके आसपास में आया वो? नहीं, बिल्कुल नहीं। कितने सदस्य हैं आपके घर में? 5 हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी बताया हो आपके वोट लिस्ट में नाम वगैरह बढ़ रहे हैं? नहीं नहीं नहीं। कभी आपके आठ पड़ोस में आया हो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम तो नए आए हुए हैं, 5 साल हो गए और कुछ हुआ ही नहीं इधर, ना वोटर आईडी कार्ड है ना कुछ है।